नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाफ की बात में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। नजर डालते हैं आज के दिन की तमाम बड़ी खबरों पर। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, मैं यहां अकेले नहीं आया हूं, अपने साथ देश की मिट्टी लेकर आया हूं। रूस में दो दिवसीय सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। खालिस्तान समर्थक समूह पर बड़ा एक्शन, सिख ऑफ जस्टिस पर 5 सालों के लिए बढ़ाया गया बैन। बम बंदूक गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती, पुतिन से बोले पीएम मोदी। बंगाल में महिला से मारपीट का वीडियो, 4 लोगों ने हाथ पैर पकड़े, 2 ने डंडों से मारा, दावा आरोपी टीएमसी विधायक का करीबी है। राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर होंगे टीम इंडिया के नए कोच। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मानवी मधु। फैक्ट्री, स्कूल और फसलों पर हाथियों का कब्जा, झारखंड में गजराज की तबाही से सहमी जनता। कठुआ में 5 जवानों की शहीद होने का बदला लेंगे, आतंकियों को भारत का सख्त आदेश। 1 हफ्ते में खोला जाएगा शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर। मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। राजस्थान बजट में दिया कुमारी ने दी महिलाओं को राहत, 4 लाख नई नीतियों की घोषणा, सस्ती होगी सीएनजी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने थामा भाजपा का दामन, छतरपुर विधायक ने भी छोड़ा आपका साथ। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।